15 अगस्त को पूरा देश आजादी का दिन मना रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस कारा में बंद 4 कैदियों को रिहा कर दिया गया है, जिसमें असगर अली, मोहम्मद बीचू, अलामुद्दीन मियां और कौशल किशोर सिंह को सजावार बंदियों को विशेष परिहार का लाभ देकर रिहा कर दिया गया। मुजफ्फरपुर से ऋतुराज की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हेडलाइंस बिहार को। मेरा नाम ऋतुराज है। पूरा देश आज आज़ादी का दिन 15 अगस्त मना रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर जेल शहीद खुदीराम बोस टाडा से 4 लोगों को रिहा किया गया है। विशेष परिहार पर उन सभी को रिहा किया गया है, काफ़ी खुश हैं। वहीं आपको बता दें, जिस तरीके से देश आज़ाद हुआ था और आज 15 अगस्त है, वहीं जेल से भी 4 बंदियों को, कैदी को रिहा किया गया है। विशेष परिहार पर उन्हें रिहा किया गया है। काफ़ी खुशी का माहौल दिख रहा है, काफ़ी खुश हैं। और क्या कुछ बता रहे हैं हमको, वो सुनवाते हैं, वो सुनिए। बहुत खुशी है। कितना साल पर रिहा हुए हैं? 6 साल पर। 6 साल पर। किस मामले में थे? 302 के मामले। कहाँ हुआ था विवाद? गांव में। कौन गांव के रहने वाले हैं? हरिहरपुर फुलवरिया। कौन थाना क्षेत्र? टुकड़ी। बिहार सरकार ने आपको बिहार विशेष लाभ देकर रिहा किया है, विशेष परिहार का लाभ देते हुए। आज आजादी का दिन है और आप भी आजाद हो गए जी, खुश हैं? खुश है आज? खुश है? खुश? हाँ खुश है। खुश है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? कौशल किशोर सिंह। काफी खुशी हो रही है आज? हाँ। आजाद हो गए आज आप? एकदम आजाद। भारत माता की। कौन साल में जेल गए थे? 18 में। 2018 में गए थे? हाँ। 5 साल रहे हैं जेल में ना? 6 साल। 18, 19, 20, 21, 22, 23 ना है, 6 साल हो गया, 2-3 महीना कमी है। तो आपने देखा किस तरीके से उन सभी को विशेष परिहार पर बाहर निकाला गया है। और मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस जो कारा है, जेल है, उससे रिहा किया गया है। सब काफ़ी समय से ये लोग सजा काट रहे थे और वहीं इन सभी को 15 अगस्त के शुभ अवसर पर इन सभी को विशेष परिहार पर रिहा किया गया है। मुजफ्फरपुर से हेडलाइंस बिहार के लिए ऋतुराज।